हेडिंग डालेगा डिग्री ऑफ अनसेचुरेशंस। क्यों जरूरत है, कैसे निकालेंगे, ये सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशंस। यानी शॉर्ट फॉर्म में DOU आप बोल सकते हो, इसको बोल सकते हैं हाइड्रोजन इंडेक्स, या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन इंडेक्स, मैं इसको बोल सकता हूं हाइड्रोजन इंडेक्स। कुछ भी बोल सकते हैं, सही है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अब फिर ये निकालते क्या है और इसकी जरूरत क्या है और कैसे निकालते हैं, ये सारा पॉइंट हमारा एक के बाद एक। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, पहले तो डेफिनेशन बनाओ इसकी। डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन है सिंपल सा है कि अगर आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल है जो साइक्लिक भी है और अनसेचुरेटेड भी है, या केवल साइक्लिक है या केवल अनसेचुरेटेड है। अनसेचुरेटेड का मतलब पाई बॉन्ड होना, और साइक्लिक का मतलब तो आप जानते ही हो। तो किसी भी कंपाउंड को ओपन चेन सेचुरेटेड में कन्वर्ट करने के लिए जितने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के चाहिए, मॉलिक्यूल यानी H2, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। तो डेफिनेशन क्या होगी, इट शो द रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन यानी H2, रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन यानी H2, ठीक है ना। एक बार पहले समझ लो फिर लिख लेना। इट शो द रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन फॉर कन्वर्ट गिवन मॉलिक्यूल, गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओसी का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनटू सैचुरेटेड ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड। आ रही है बात समझ में? तो ये हमारे लिए हो गया डिग्री ऑफ हाइड्रोजन इंडेक्स। लिखिए डेफिनेशंस। हाँ, एल्केन में कन्वर्ट करना है, कुल मिला के एल्केन बनाना है, ठीक है, बहुत सही पकड़ा, हमें एल्केन बनाना है। तो जो सबसे फर्स्ट अप्रोच आई मेरे दिमाग में, फर्स्ट अप्रोच वो क्या थी, फर्स्ट मेथड लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास ये कंपाउंड था, समझना एग्जांपल से, ये अप्रोच समझ नहीं है, मुझे इसको इस कंपाउंड में चेंज करना था। अंतर क्या है दोनों में, ये साइक्लिक है वो ओपन चेन है, कार्बन सेम है वो तो रखना ही है सेम, इस बॉन्ड को तोड़ना है। तो जब आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो आपको एक हाइड्रोजन इसको देना पड़ेगा और एक हाइड्रोजन इसको देना पड़ेगा, हाँ या ना। तो जब एक हाइड्रोजन इसको दोगे इसको, तो कितने मॉलिक्यूल H2 की जरूरत होगी, एक या दो, एक। तो इसके लिए DOU कितनी होगी, वन, एक बॉन्ड तोड़ा है एक DOU, दो बॉन्ड तोड़ोगे दो DOU। अगर ये एग्जाम्पल कुछ ऐसा होता, आपको डबल बॉन्ड तोड़ना है, समझना, तभी ओपन चेन में होगा। तो जब आप इसको इस तरह से तोड़ेंगे तो आपको कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जरूरत होगी, दो, यानी DOU कितनी होगी इसकी, टू। कुछ समझ में आ रही है बात? तो जितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जरूरत है वही DOU है, या मैं ये बोलूं जितने हाइड्रोजन एटम की जरूरत है उसका हाफ कर दो, चार हाइड्रोजन एटम है तो दो मॉलिक्यूल की जरूरत होगी और वही DOU होगा। तो मुझे किसी ने पूछा इसके लिए DOU क्या होगी, तो पहले तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना, इसको तोड़ूंगा, इसको तोड़ूंगा, इसको तोड़ूंगा, तीन तोड़े बॉन्ड,
मतलब तीन ही बॉन्ड तोड़ने, मिनिमम तोड़ने कि ओपन चेन में बन जाए, ये नहीं कि आपने चेन ही तोड़ दी पूरा, ये यहां से तोड़ दिया, यहां से तोड़ दिया, यहां से तोड़ दिया, नहीं, मिनिमम कितने मॉलिक्यूल चाहिए? तीन तोड़े हैं अभी, अभी भी साइक्लिक है, तो एक ये तोड़ना पड़ेगा। तो कितने बॉन्ड तोड़ रहे हो आप? चार। समझना, चार तोड़ते ही ये उस वाले कंपाउंड में आ जाएगा, उस फॉर्मेट में। हाँ, तो यहां पर आपके पास इस तरह से आप सोचिए, तो कितना 4H2, यानी DOU कितनी है इसकी? 4। मुझे पूछा DOU निकालने का कोई आसान मेथड है, मैंने कहा और आसान मेथड चाहिए तो बना सकते हैं। देखिए, तो DOU की लैंग्वेज से मैंने पता लगाया कि DOU एक तरह से देखा जाए, एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, तीन पाई बॉन्ड, जितने पाई बॉन्ड होंगे उतनी DOU होगी, और एक साइक्लिक, साइक्लिक को तोड़ने के लिए भी होगा। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए DOU क्या है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ साइकिल, यही हमारे लिए DOU है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ साइकिल। बहुत अच्छा लगा, किसी ने कहा कि इसके लिए DOU कैसे निकालोगे आप? क्यों? क्योंकि साइकिल का ही पता नहीं चल रहा। तो मैंने कहा मैं तोड़ना शुरू करते हैं, इसको कन्वर्ट करना है तो तोड़ना तो पड़ेगा ही। तो आप सोचिए कितने बॉन्ड टूटने से ये ओपन में हो जाएगा? क्या अभी हो गया? नहीं, अभी भी साइकिल है। एक, दो, यहां पर आपके लिए तीन, फिर भी एक और इधर होगी, चार। तो आपको अजीब सा लगेगा कि हम तोड़ कैसे रहे, हमें तो पता ही नहीं चल रहा है, रैंडमली तोड़ना या इस तरह से तोड़ने में मुश्किल हो रही है, कितनी साइकिल है हमें पता ही नहीं चल रहा है, इसमें कितनी साइकिल है पता चल रहा है क्या आपको? बड़ी मुश्किल से आप अगर तोड़ोगे, तो आपने ये तोड़ा, समझना इसको मैं तोड़ना शुरू करता हूं, ऐसे पता चलेगा। या तो बनाल पेंसिल से बनाओगे तो पता चल जाएगा, अदरवाइज नहीं चलेगा पेन से। तो सबसे पहले ये तोड़ा, एक, फिर दो, क्योंकि मेरे पास तो साफ करने के लिए डस्टर है, तो कितनी हुई? DOU दो, अभी भी साइकिल है, तीन। इसकी इसको तोड़ने की जरूरत थी क्या? तीन, अभी भी ओपन है, नहीं, कितनी हुई है? एक और दो, तीन, ये वाली साइकिल तोड़ दी, और चार। क्या अभी भी कोई साइकिल बन रही है क्या? हाँ, देखना ये पूरी साइकिल बन रही है अभी, इज दैट क्लियर? तो कहीं ना कहीं आप ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे, अब सही है, पांच। तो DOU कितनी आएगी इसकी? 5। तो ये तब लगेगा जब आपके पास आप पेंसिल से लिखें और रेजर से हटाते जाएं, तो DOU कितनी हो जाएगी? 5। लेकिन मुझे एक अल्टरनेट मेथड और चाहिए था ऐसे कंपाउंड्स में, जो और फास्ट हो बिना किसी एरर के हो। मैंने बहुत आसानी से मेथड पकड़ लिया, कैसे? अल्टरनेट मेथड, यानी कि ये हमारे लिए सेकंड मेथड था जो आसानी से लग रहा था, लेकिन यहां लगने में दिक्कत थी। तो इसके लिए अल्टरनेट मेथड क्या था मेरे लिए? थर्ड मेथड हो जाएगा, जहां मुझे रब करने की जरूरत होगी, साइकिल गिनने में दिक्कत आएगी, मैं ये यूज कर सकता हूं। आप जानते हैं इसमें कितने कार्बन है? आठ, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, आठ कार्बन होंगे। हर कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? सिर्फ एक, सिर्फ एक, इससे ज्यादा तो नहीं है ना? तो कितना हो जाएगा? CH8H, बोलो यस और नो। और कार्बन कभी कम नहीं होते, सिर्फ हाइड्रोजन बढ़ाकर आपको क्या करना है? एल्केन बनाना है। तो एल्केन बनाने के लिए ध्यान से सुनना, C8 एल्केन बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन होते हैं एल्केन में? 8, 2, 16, 17, 18, 18 हाइड्रोजन होते हैं या नहीं होते? एल्केन, क्या ये एल्केन था? नहीं था। क्या ये एल्केन है? हाँ। तो मैंने आपको यही कहा था, DOU अपने आप में एल्केन बनाना है आपको, एल्केन बनाना है। तो बताइए अब कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जरूरत है यहां पर? पांच,
5H2, तो DOU कितनी हो जाएगी 5। बिना आपने स्ट्रक्चर बन को तोड़े या ब्रेक किए आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस मेथड से। आ रही है बात समझ में? तो ये और अच्छा मेथड है आपके लिए DOU कैलकुलेट करने का। तो आपने तीन मेथड कर लिए, पहला बॉन्ड ब्रेकिंग, दूसरा नंबर ऑफ साइकिल प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो कभी भी कोई भी यूज कर सकते हो, आपको देखना है कि आपको वहां किस में ज्यादा कंफर्ट है। तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं, फिर अपन बात करेंगे। फाइंड DOU इन फॉलोइंग कंपाउंड। इन फॉलोइंग कंपाउंड फाइंड DOU इन फॉलोइंग कंपाउंड। ए CHO, CHO में ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड से अटैच होता है, जबकि बी CH2OH में ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से, यानी यहां पाई बॉन्ड नहीं है। सी डी ये जो मैं सर्किल बनाता हूं ना, ये आपको समझने में दिक्कत आएगी अभी, इसलिए मैं यहां सर्किल नहीं बना के ऐसे देने दूंगा तो आपको समझ में आएगा। अब ये देखना तीन, फिर उसके बाद ऐसे चलता है ये। यहां पर ये क्या है, इस तरह से हमारे को देखना पड़ता है तीन, और फिर तो आप मुझे बता सकते हैं इसके लिए DOU कितनी है, नंबर ऑफ साइकिल कितनी दिख रही है, एक एक है, और पाई बॉन्ड कितने दिख रहे हैं जल्दी से बताएं आप, तीन, मुझे भी तीन दिख रहे हैं, एक दो और एक तीन। यहां DOU कितनी है, नंबर ऑफ साइकिल एक और पाई बॉन्ड कितने दिख रहे हैं तीन, सही है। यहां DOU कितनी दिख रही है, नंबर ऑफ साइकिल कितनी है, एक और एक दो और पाई बॉन्ड पांच। यहां DOU कितनी दिखेगी आपको, नंबर ऑफ साइकिल तीन एक और पाई बॉन्ड एक दो तीन चार पांच छह सात, सात और तीन 10। तो आपको कहीं पे भी दिक्कत आई DOU समझने में, पक्का तीनों मेथड आपके लिए क्लियर है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, एवरीथिंग इज क्लियर, लिखें इसको। अच्छा पॉइंट था, हम लास्ट पॉइंट से ही डिस्कस कर रहे थे DOU, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। मैंने आपको तीन मेथड बताए थे, और लास्ट मेथड को एक बार रिवाइज करते हुए हम आगे जाएंगे और कॉन्सेप्ट्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। DOU निकालने के लिए मैंने एक लास्ट कंसेप्ट बताया था, अगर आपको कभी ऐसा कोई कंपाउंड दिया जाए जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन सभी ग्रुप के अलग अलग एलिमेंट्स रहे, ठीक है, इसकी क्वांटिटी, किसी की क्वांटिटी ए है, किसी की बी है, किसी की सी है, किसी की डी है, किसी की ई है, तो आप क्या करें, कार्बन को तो एज इट इज लिखें ए, हाइड्रोजन को बी, जितने ऑक्सीजन है या ऑक्सीजन ग्रुप के एलिमेंट है उनको हटा दो, हेलोजन वालों को सपोर्ट में लाओ और नाइट्रोजन वालों को अगेंस्ट में लेके आओ, यानी माइनस सी कर दो, बहुत आसान है। तो जब आपको ये बन जाए तो उसे CH2A+2 यानी एल्केन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, और जितने मॉलिक्यूल की जरूरत हो यहां पर वही DOU है, DOU वही है। लेकिन किसी ने जानने का सोचा कि सर ने ये मेथड कैसे बनाया, बनाया तो मैंने ही है, किसी बुक्स में से तो नहीं उठाया होगा, तो मैंने जब बनाया होगा मेथड तो मेरे दिमाग में बैकग्राउंड में जो चीज चल रही होगी वो ये है कि देखिए ये कार्बन है, सबसे पहले मैंने यहां हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहां हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, बता सकते हैं इसकी DOU कितनी है, जीरो, कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं, समझ में आ रहा है। अगर इसकी जगह मैंने ऑक्सीजन लगाया होता बीच में, तो ऑक्सीजन ने क्या काम किया, कुछ भी नहीं, आगे बीच में चिपक गया, तो इसलिए ऑक्सीजन का होने या ना होने से DOU पे कोई फर्क पड़ा नहीं, पड़ा, समझ में आ रही है बात, वेरी गुड, तो DOU से कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर मैंने यहां पर हेलोजन लगाया होता,
तो इसने एक तरह से हाइड्रोजन का काम किया है। तो जितने हैलोजन है वही हाइड्रोजन के बराबर आ रहे हैं, क्योंकि हैलोजन अपने आप में एक हाइड्रोजन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने हैलोजन को ऐड किया। और अगर मैंने यहाँ नाइट्रोजन लगाया होता, नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी होती है? तीन, एक तो उसने यूज कर ली। तो अब आप ये बताओ, उसे तीन वैलेंसी चाहिए बिना पाई बॉन्ड के, पाई बॉन्ड नहीं चाहिए, तो अभी उसको दो हाइड्रोजन और यूज करने पड़ेंगे। तो अगर नाइट्रोजन नहीं होता तो एक हाइड्रोजन होता। नाइट्रोजन आने से कितने हाइड्रोजन का नुकसान कर दिया उसने सिस्टम में से? एक, समझ में आ रहा है? ये तो सिस्टम का ही था, ये एक और चाहिए उसके लिए खुद के लिए चाहिए, तो वो क्या होगा? खुद खा रहा है, खुद खत्म कर रहा है। तो इसलिए जितने नाइट्रोजन होंगे उतने माइनस करने होंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इसको मैथमेटिकली फॉर्म में चेंज कर दिया बाद में कि DOU जितने चाहिए वो, और फिर उसके बाद एक और फॉर्मूला हम बना सकते हैं, लेकिन हमें फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। तो कुछ एक एग्जाम्पल आप कितना कर सकते हो वो चीज देखते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड DOU इन फॉलोइंग कंपाउंड। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं +4 -1 के हिसाब से, ठीक है ना? आप फटाफट करेंगे, सब जितनी स्पीड से कर सकते हैं करेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, एंड 10। करिए इसको। देखिए, इसके लिए मेरा सबसे अच्छा मेथड ये रहेगा, नंबर ऑफ साइकिल प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। कितनी साइकिल दिख रही है? दो। और पाई बॉन्ड कितने दिख रहे हैं? वन, 2 + 1 3। इसमें तो मेरे पास 0 + 0 0, क्योंकि दिख रहा है अल्कोहल है और वो भी ओपन चेन, तो ये हमारे लिए 0। यहां DOU कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिएगा। यहां DOU निकालने के लिए मुझे अपना मेथड यूज करना पड़ेगा, C10H8। ए 8 + 4 + 2 - 2, और ऑक्सीजन को तो हम काउंट ही नहीं करते, तो 8 4 12 हो गया, ये तो क्रॉस हो ही गया 12। और मुझे किस में करना है? 10 और H22।
दस, यानी कि पांच मॉलिक्यूल चाहिए मेरे को, 5H2 चाहिए। तो इसकी DOU कितनी हो गई? DOU 5 इसके लिए। या सुनो, इसके लिए कितना है? एक साइकिल दिख रहा है, दो, तीन, तीन साइकिल दिख रहा है। 3 प्लस, अच्छा कौन सा वाला? एक दो तीन, एक दो तीन चार पांच, नहीं तो आप एक काम करो, यहां से पाइप बोन्ड हटा दो और ये पाइप बोन्ड यहां लगा दो। अब तो सही है, बिल्कुल सही पहचाना आपने। तो यहां DOU कितनी रहेगी हमारे? 5, 1 2 3 साइकिल, 4 5, यानी 3 प्लस 2 5। लेकिन ऐसा जब भी कोई एग्जाम्पल हो तो आप चेक भी कर सकते हैं दो तरह से। आपने ये बॉन्ड तोड़ा, साइकिल एक कम हो गई, एक और तोड़ा, दो साइकिल, और एक और तोड़ दिया, तीन, तो साइकिल तोड़ती है, पूरा ओपन चेन दिख रहा है आपको, हाँ या ना? तो इसका मतलब तीन बॉन्ड तोड़ते ही ये ओपन चेन में आ गया, और फिर ये पाई और तोड़ते 5, यानी हमारा आंसर सही है। फिर भी दिक्कत हो तो फिर आपके पास एल्केन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, कितने हाइड्रोजन है, वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। इसके लिए देखते हैं कितनी साइकिल है, 1 2 3 4 5, यानी 3 प्लस 2 5 सही है। इसके लिए देखते हैं 1 2 3 4, 4 DOU। इसके लिए देखते हैं 1 2 3, दो साइकिल, सॉरी दो पाइबोंड और एक साइकिल। इसके लिए देखते हैं, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, कितना पाइबोंड तोड़ते ही ओपन चेन में आ जाएगा। एक तो ये वाला, एक कोई भी ये तोड़ दो, ये वाला तोड़ोगे क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि कंपाउंड दो पार्ट में ब्रेक हो, नहीं है वो ओपन ही है, ओपन ही है। कोई और साइकिल दिख रही है? हाँ, एक और ये वाला तोड़ सकते हो आप, तीन, तो DOU कितनी हो जाएगी इसकी? 3, पक्का? अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रही है तो मेरे पास एक और है, ये तो हो गया DOU 3 जो कि फास्ट है। लेकिन अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही होती, कोई दिक्कत नहीं है, ये दिया था मैंने कंपाउंड आपको, यही दिया था ना, तो आप इसको एल्केन वाले मेथड से भी कर सकते हो। कार्बन तो 8 है, हाइड्रोजन कितने हैं? देखिए हाइड्रोजन कितने दिखेंगे आपको इसमें, वो आप निकाल लीजिएगा, 12 दिख रहे हैं टोटल। और आप इसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हो? C8H, 8 16 17 18, 18 में तो कितने मॉलिक्यूल चाहिए? 3H2। आ रही है बात समझ में? यानी DOU कितनी होगी? 3। अगर यही एग्जाम में है तो क्रॉस चेक कर लिया करो, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक हमारे लिए बहुत नुकसान कर देती है। तो हमेशा एग्जाम में क्रॉस चेक करना चाहिए, मेरा ये मानना है। यहां कितना है DOU? एक ये तोड़ दिया, एक ये तोड़ दिया, दो, और एक ये तोड़ दिया, तीन, यानी DOU कितनी है? 3। तीन साइकिल दिख भी रही थी यहां पर, हाँ या ना? बिल्कुल सही है, यस। इसके लिए DOU कितनी है? दो साइकिल दिख रही है, दो पाई, यानी 4। पक्का? कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो बहुत आसान हो गया। इज दैट क्लियर? तो हमने एक बहुत बेसिक सा पढ़ लिया, DOU में अब हमारे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, लिख लें इसको।